हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डबली इंग्लिश में नोट क्रिएशन की। डबली इंग्लिश का जनरल इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमें एक नोट क्रिएट करना है तो डबली इंग्लिश में कैसे हम उस नोट को क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है डबली इंग्लिश का, इस स्ट्रक्चर को हमको बनाना है। सबसे पहली बात तो बनाने के लिए हमको एक नोट, सिंगल नोट बनाना आना चाहिए। तो सिंगल इस लेक्चर में हम उसी सिंगल नोट के क्रिएशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम ड्यूरिंग डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ नोड, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन, डिलीशन, डिस्प्ले फ्रॉम बिगनिंग, डिस्प्ले फ्रॉम एंड, और सर्च फॉर एलिमेंट, सॉर्ट द एलिमेंट एंड अपडेट एन एलिमेंट। ऐसे कुछ ऑपरेशन हम देखेंगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोट क्रिएशन की। अगर मुझे कोई नोट क्रिएट करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो मुझे क्या क्या टास्क परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले एक लोकल वेरिएबल, जैसे हम अभी तक लेते आए हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी लेते आए हैं, वो किस टाइप का ले लिया हमने, स्ट्रक्ट नोट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल हमने ले लिया, जो कि क्या कंटेन करके रखेगा, कोई ना कोई एड्रेस कंटेन करके रखेगा। अब हमें नोट क्रिएट करना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू, तो हम मैलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हमने मैलॉक फंक्शन के थ्रू नोट क्रिएट कर लिया और उस नोट का एड्रेस किसको दे दिया है, टैम्प को दे दिया है, ठीक है। तो ये टैम्प हमारे पास अवेलेबल था, या डेटा नहीं, ये टैम्प आएगा। और इस टैम्प के पास ये जो नया नोट हमने क्रिएट किया है मैलॉक फंक्शन के थ्रू, इस नोट का एड्रेस इस टैम्प को हम दे देंगे, ठीक है। अब ये जो नोट है ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके तीन पार्ट हैं। ये तीन पार्ट कहाँ से है, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देख लिया है कि डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के एक सिंगल नोड में तीन पार्ट होते हैं, जो कि हमने एक स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दिया है। तो ये होगा लेफ्ट पॉइंटर, ये होगा डेटा, ये होगा राइट पॉइंटर, या फिर प्रीवियस लिंक, डेटा और नेक्स्ट लिंक, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो लेफ्ट के में भी, मतलब इसके पहले भी कोई नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ये भी नल, और इसके बाद भी कोई नोड अवेलेबल नहीं है तो ये भी नल। तो ये हमने दोनों को टेम्प के लेफ्ट और राइट को क्या कर दिया, नल वैल्यू दे दी है। टेम्प, टेम्प मतलब थाउजेंड, थाउजेंड मतलब यही वाले नोड की बात हो रही है। और अब इसके डेटा पार्ट में क्या दे दें हम, यूज़र से लेके वैल्यू दे दें। कैसी वैल्यू, टेम्प टू डेटा में वैल्यू हमने यूज़र से दे दी, ठीक है। अब हमको इसी प्रोसेस को हमारे कंपाइलर पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है जो कि हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। आप कोई सा भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम जनरलाइज कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर हमने सेकेंड हेडर फाइल, क्योंकि हम करने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो हम stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के भी हेडर फाइल हमने यूज़ कर ली। फिर हम स्ट्रक्ट नोड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया है, ये जो स्ट्रक्ट नोड होगा हमारे पास अवेलेबल, इसमें तीन फील्ड होगी, ये हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देख लिया था। कौन कौन सी तीन फील्ड होगी, डेटा फील्ड जिसमें तो हमको डेटा रखना है, ठीक है। फिर है पॉइंटर ही बनाना है हमको, किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का लेफ्ट पॉइंटर, और फिर अगेन हमने स्ट्रक्ट नोड टाइप का राइट पॉइंटर अपने पास बना लिया है, ठीक है। ये पॉइंटर हमने बना लिया, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास एक और पॉइंटर होता है जो कि हमारी लिस्ट को के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है, उसको हम बोलते हैं रूट, उसको हमने इनिशलाइज कर दिया नल से, ठीक है। अब हमने फंक्शन बना ले, फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं हम। फंक्शन का नाम हमने क्या रख दिया, क्रिएट रख दिया है, हमको नोट क्रिएशन के लिए यूज़ करना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे वॉइड मेन की। वॉइड मेन में हमने क्या किया है, हमारे मेन्यू को डिस्प्ले करवाया है। मेन्यू को डिस्प्ले करवाने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन जो अभी हमने देखे हैं प्रीवियस स्लाइड में, उन ऑपरेशन को हम यहाँ पे परफॉर्म करवाए। तो एक बार में एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और यूज़र उसमें से सिलेक्ट करेगा। तो यूज़र सिलेक्ट करेगा मतलब उसके पास बार बार डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने वाइल लूप को ट्रू कर दिया है और अब हम हमारा मेन्यू डिस्प्ले करवाते जाए। तो हमने मेन्यू फर्स्ट मेन्यू के फर्स्ट पार्ट में लिख दिया है कि ये किसके ऑपरेशन है, डबली लिंक्ड लिस्ट के ऑपरेशन है। तो डबली लिंक्ड लिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है, ये हमने मेन्यू में फर्स्ट में ये प्रिंट करवा दिया है। अब हम क्या चाहते हैं, इसके बाद हम चाहते हैं कि यूज़र को ऑप्शंस पता चल जाए कि कौन से ऑप्शन से क्या काम होने वाला है। तो यूज़र को ऑप्शंस हमने फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया है,
नोट क्रिएशन, ठीक है, नोट क्रिएशन दे दिया है। और सेकंड ऑप्शन में अगर हमारे पास हमको प्रोग्राम को एग्ज़िट करना है तो हम एक ऑप्शन और रखेंगे एग्ज़िट बटन के साथ, तो हमने सेकंड ऑप्शन दे दिया है एग्ज़िट, क्लियर। और सेमी कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन। और थर्ड ऑप्शन, अब हम यूज़र से क्या पूछ लेते हैं कि उसकी चॉइस क्या है, तो यूज़र को मैसेज दे देते हैं एंटर योर चॉइस, यूज़र से हमने चॉइस पूछ ली स्कैन एफ के थ्रू, हमने वो चॉइस का वेरिएबल जो है यूज़र से डलवा दिया है, किस में डलवाया है, सी एच में वैल्यू यूज़र से डलवा दी, ठीक है। अब हम स्विच केस लगाएंगे, स्विच केस में क्या पास करेंगे, हमारी चॉइस। इस केस में जैसे ही हमने अपनी चॉइस पास करी, अब हमको केसेस डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्विच केस स्टार्ट किया और केस वन हमने डिक्लेयर कर दिया है, सॉरी केस वन, और वहाँ पे मैंने किसको कॉल कर लिया, क्रिएट फंक्शन को कॉल कर लिया और ब्रेक कर दिया, ठीक है। केस टू क्या बोल रहा है, केस टू बोल रहा है कि आप एग्जिट हो जाओ अगर आपको ये टास्क परफॉर्म नहीं करना है, नॉन जीरो वैल्यू हमने पास कर दी। और अगर ये यूज़र ने सपोज ये दोनों ही केस नहीं, मतलब ये दोनों ही ऑप्शन प्रेस नहीं किए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन चलना चाहिए, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या बोल जाएगा, रॉन्ग चॉइस, क्योंकि हमने तो दो ही ऑप्शन दिए, वन या टू प्रेस करो, यूज़र ने उसके अलावा कोई तीसरा बटन प्रेस कर दिया तो फिर हमारे पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। तो चॉइस अवेलेबल नहीं है तो हम यूज़र से बोलेंगे कि रॉन्ग चॉइस आपने, वाइल मैंने क्लोज कर दिया है और वॉइड में मैंने क्लोज कर दिया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमारी क्रिएशन की डेफिनेशन को लिखना है, ठीक। तो वॉइड क्रिएट नाम का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, डेफिनेशन जो है वो हमने अभी देखी है हमारी स्लाइड में, ये हमारे पास डेफिनेशन अवेलेबल है, इस डेफिनेशन को मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है, क्योंकि हम इसका ड्राई रन कर चुके हैं और हमें समझता है आपकी डेफिनेशन क्या करने वाली है, और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, क्लियर। अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम को रन किया है, कंपाइल हो रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, हमने ये जो स्कैन एफ लगाया है एम परसेंट हमारा यहाँ पर मिस हो गया है, ठीक है। तो ये आप छोटी छोटी से एरर्स का भी ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी एरर रहती है बट हम जो हैं उसके लिए सी एच, ये देखिए छोटी सी एरर थी और हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल नहीं हो पा रहा है, तो आप इन एरर्स का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक और स्पेसिफायर हमको रिक्वायर्ड है, ये हमने लगा दिया है यहाँ पे 63, एक सेकेंड हम इसको रीलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर है, कभी कभी प्रॉब्लम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रीलोड कर लिया है हमारे प्रोग्राम को। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रीलोड किया, ये आ गया हमारा प्रोग्राम, ठीक है। रन किया, रन करने के बाद डबली लिंक, फर्स्ट आ गया नोड क्रिएशन, सेकंड आ गया एग्जिट, एंटर योर चॉइस, मैंने वो स्लैशन नहीं दिया इसलिए सेम लाइन में आ गया, चॉइस एंटर करी, फर्स्ट चॉइस है हमारी, डेटा वैल्यू डालना चाहते हैं 15, जैसे ही मैंने 15 डेटा वैल्यू डाली, एंटर किया, अगेन जो मेन्यू है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया, अब की बार मैंने 45 डाली, अगेन रॉन्ग चॉइस उसने बोल दिया, क्यों, क्योंकि पहले हमको एंटर चॉइस करनी थी फर्स्ट या सेकंड, अब की बार मैंने सेकंड चॉइस डाली, हम एग्जिट हो गए, ठीक है। अब हम बना लेते हैं इसके पास डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। तो ये था नॉर्मल नोड का क्रिएशन और एग्जिट फंक्शन के ऑपरेशंस। इसके बाद वाले लेक्चर में हम सीखेंगे डिस्प्ले, तो हमने जो फंक्शन बनाया है, मतलब सॉरी नोड बनाया है, अब हम उनको डिस्प्ले करना भी सीख जाए।
ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।